तो और मेरे भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे के सारे बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाएंगे लाइव लाइव कोई सॉन्ग बनाएंगे ना, कि आपको इस वीडियो से क्या पता चलेगा कि कोई भी सॉन्ग हम स्टार्ट करते हैं बनाना तो उसमें क्या क्या प्रोसेस लगता है बनाने में पूरी बीट को ना। तो इस वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना, और इस वीडियो को क्वालिटी भी आप बढ़ा लो, क्योंकि बिना क्वालिटी के ये समझ नहीं आएगा आपको कि क्या मैं कर रहा हूँ ना। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखना वीडियो की। और मैंने भी इस वीडियो को जो है ना 1080p में किया है ना, 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी। तो क्वालिटी मैंने भी इधर से कर रखी है, पर आप उधर से कर लो, यूट्यूब में होता है ना ऑप्शन उधर से। तो आइए कुछ बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ 888 का तुम्हें बता दूँ कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, कैसे कैसे हम ऐड करते हैं ना। तो करते हैं अपना वेल स्टूडियो ऑन। ये हमने एप्पल स्टूडियो ऑन कर लिया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अभी अभी हमारा काम क्या है, जब भी हम कोई सॉन्ग बनाते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होती है, एक तो हमारा स्केल और दूसरा हमारा टेम्पो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ हम सी शार्प पे बना देते हैं। जैसे मैंने सी शार्प माइनर पे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इधर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो इधर मैं कर देता हूँ। और इसका BPM होता है ना, वो 100 BPM से 80 से लेके 100 BPM तक होता है 888 का। तो आज हम 888 बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कर लेता हूँ इसका 100 ही कर लेता हूँ। मान लो मैंने 100 इसका BPM रख दिया। अब हमारी दोनों चीज़ें ये डिसाइड हो गई, स्केल भी डिसाइड हो गया, टेम्पो भी डिसाइड हो गया, हमने रख लिया। अब हमें इसके अंदर काम शुरू करना है ना। तो शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा चैनल रैंक में, ये जो फालतू की चीज़ें हैं इनको डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि हमको जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ ना ये चीज़ें आप कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो सैम्पलर लिखा और आ रहा है, इस पर मैं राइट यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। जब रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो इधर अपनी VST दिखा देगा, जितनी अपनी VST है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ कोई पियानो की कोड लेता हूँ। ठीक है, तो पियानो की कोड ये वाला VST खोलते हैं। काफ़ी बड़ा VST है ये। ठीक है, और अभी मेरे जो PC के फैन है ना वो भी घूमेंगे ज़ोर ज़ोर से, तो नॉइस भी आएगी थोड़ी। ठीक है, तो उसको भी एडजस्ट करना। इसमें देखो कितने पियानो दे रखे हैं ना, पड़ा पड़ा पियानो से, ये देखते हैं। और इसके इसमें चलते हैं हम पियानो रोल में। यहाँ पे देखो सी पे हो रखा है, हमने स्केल लिया था सी। यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ मैं इस पे क्लिक करके, और ये मैंने मेजर कर लिया, माइनर किया, सॉरी दोस्तों माइनर किया है, सी शार्प माइनर। तो आओ कोड लगाते हैं हम एक बार, सुनते हैं एक बार। ये हमने कोड लगाई है एक। मान लो हमें इस कोड के ऊपर पूरा सॉन्ग बनाना है तो क्या करेंगे, इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ एक बार। और अभी मैं क्या करूँगा, सेकंड पैटर्न लूँगा कोई भी नाम देके। अभी हम करेंगे इसमें गिटार की कोड ऐड। ठीक है, ये हमने की थी पियानो की ऐड, अब हम करेंगे गिटार की ऐड। ठीक है, तो थोड़ा वो मतलब फील आ जाए हरियाणवी टच का। तो गिटार लेते हैं हम, रियल गिटार। ठीक है, ये वाला गिटार लिया है। यहाँ पे मल्टी पे मैं क्लिक करूँगा, मल्टी ऑप्शन पे।
और ये वाला नॉब है ना, इसको मैं 5 पे कर दूंगा। वैसे ये ठीक है। चलो अब इसकी बनाते हैं कोड। अब इसके अंदर पियानो रोल में जाते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली कोड लगा रहा हूँ। ठीक जा रहा है। वैसे इस पियानो की वॉल्यूम मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी ये हाई में बज रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको नीचे ले आऊँगा बेस के अंदर। ठीक है, ये मैं इसका मेट्रोनोम एक बार थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसमें जाएंगे मटका या गढ़वा ऐड करेंगे। गढ़वा लेते हैं हम कोई भी, तो गढ़वा हमें मिलेगा हमारे सैंपल पैक के अंदर जाऊंगा मैं। इधर देखते हैं, ये वाला मैंने हो रहा है ना थोड़ा बीट से, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये वाला चाहिए था हमें, इसको हम लेंगे और इतने पे क्लिक करके, और इसका बीपीएम है वो हम सेट कर लेंगे ऐसे करके ना कुछ। अभी थोड़ा जूम करके देखेंगे हम कि हमारा ये सैंपल है वो सही बीट पे है या नहीं। देखो ये थोड़ा सा बाहर हो रहा है यहाँ पे, देखो, तो इसको ग्रिड पे करेंगे पूरा बढ़िया से, ताकि हमें जब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत ना आए। ठीक है, ये क्या हमने गढ़वा ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम करते हैं प्लक, प्लग ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो प्लग लेंगे हम नेक्सस का, ये हमारा नेक्सस खुल गया है, इसमें जाएंगे हम प्लग के अंदर और ये वाला प्लग ले लेंगे। अभी देखना, ये डिले रिवर्ब इसका ऑफ कर देंगे। ठीक है, अभी इसको नीचे डालेंगे इसके, और यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे अपना प्लग 888 का। पर ये देख लेना, जब भी 888 बनाओ ना, ये वाला जो आइकन है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला ग्रिड आपका होना चाहिए स्टेप के अंदर 1/6 बीट पे। ठीक है,
तभी ये ट्रिपलेट का काम करेगा आपके पीसी के अंदर बढ़िया से। सिक्स पे बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं, देखते जाओ बस कैसे कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, सोलो करके सुनते हैं। हाँ ये ऐसे है। अब इसको मैं क्या करूंगा, अपने कोड के हिसाब से इसको लगा दूंगा। ठीक है, ये ज्यादा आगे चला गया, इधर लगाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना कहीं ज्यादा आगे ना चला जाए वो, ना ग्रिड पे पूरा रहना चाहिए। सुनते हैं एक बार। मतलब इस पैटर्न को जब बना के आप डालोगे ना, जान डाल देता पूरी की पूरी गाने के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे हाई हैट, हाई हैट लगाएंगे। तो मैं कोई हाई हैट ले लेता हूँ, इधर जाता हूँ अपने सैंपल पैक में, और ये ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी साफ दिखे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसको जूम करके एक बार कट लगा लेता हूँ। एक बार क्या करना है, जब हाई हैट बनाओ ना आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हाई हैट है ना इसके सामने ले आना, जहाँ पे प्लग स्टार्ट हो रहा है ना अपना, उसके सामने ले आना जस्ट, और इधर कट लगा देना बस। ठीक है, और आगे वाला कट कर देना है, और इसको स्टार्टिंग में लगा देना है, और इसको कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऐसे लगाना है। देख लो, इस तरीके का पैटर्न बना लेना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, छोटा कर लेना है, और इसको मतलब पूरे को कॉपी कर लेना है, और कंट्रोल बी से इसको आगे पेस्ट कर देना है, और जो फालतू आ गया उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, कुछ ऐसे ही बनता है ट्रिपल एट का। जैसे आगे आप क्लैप ऐड करोगे, हाई एट ऐड करोगे, ठीक है, जो मेन स्टार्टिंग होती है ना वो ऐसी होती है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको सॉन्ग की। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग करनी है, और इसमें धीरे धीरे हम जैसे चीज़ें ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो सॉन्ग है वो पूरा बनता जाएगा ना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम मतलब दूसरा जो पैटर्न है वो कैसे बनता है। ठीक है।